खबर बताना शुरू करें उससे पहले आपसे गुजारिश है कि चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। जोधपुर और राजस्थान की ताज़ा तरीन खबरों के लिए आप इस चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। बात जोधपुर के कुड़ी बख्तासनी इलाके की है, जहां एक कब्र बिजू, जिसे ब्लैक बिजू भी कहते हैं, आने के बाद सनसनी फैल गई। देखते ही देखते लोगों का जमावड़ा इकट्ठा होने लगा। भील बस्ती के पास लाइट के एक पोल पर कब्र बिजू चढ़ गया। इसकी सूचना वन विभाग को दी गई। वन विभाग की टीम लंबे इंतज़ार के बाद मौके पर पहुंची। जब तक बड़ी संख्या में लोग तमाशाबीन बनकर मौके पर पहुंच चुके थे। आप देख सकते हैं कि किस तरह वन विभाग का एक कर्मचारी हाइड्रा की मदद से बिजली के पोल तक पहुंचने की कोशिश कर रहा है। बिजली के पोल के ठीक ऊपर आप देख सकते हैं कि कब्र बिजू बैठा है। उस कब्र बिजू को रेस्क्यू करने के लिए ये वन विभाग का कर्मचारी हाइड्रा की मदद से मौके पर पहुंच रहा है। देखिए किस तरह उसने जो है हाथ में एक कपड़ा ले रखा है और उसकी मदद से कब्र बिजू को पकड़ने की कोशिश कर रहा है। लेकिन काफ़ी मशक्क़त के बाद हाइड्रा जो है उसके समकक्ष पहुंच पाता है। जैसे ही कब्र बिजू इस व्यक्ति को देखेगा, उसकी प्रतिक्रिया नोट कीजिएगा। कब्र बिजू जैसे ही वन विभाग के कर्मचारी को अपने नज़दीक देखता है तो गुस्से में भड़क उठता है और अचानक बिजली के पोल की दूसरी तरफ पहुंच जाएगा। देखिए किस तरह वन विभाग के कर्मचारी को देखकर कब्र बिजू जो है भड़क गया और बिजली के पोल की दूसरी तरफ जा बैठा। यहाँ पोल काफ़ी ऊंचाई पर है, लेकिन कब्र बिजू इतना डर गया कि देखिए कब्र बिजू किस तरह जो है यहाँ से अब कूदने की कोशिश कर रहा है और अचानक कब्र बिजू यहाँ से छलांग लगा देता है। देखिए किस तरह कब्र बिजू ने एक लंबी छलांग लगाई, लेकिन वन विभाग के कर्मचारी जाली की मदद से उसे नहीं पकड़ पाए। कब्र बिजू भागकर पास की झाड़ियों में जाने की कोशिश करता है और ये लोगों का झुंड झाड़ियों में उसका पीछा कर रहा है। ये एक तमाशाबीन लोग कब्र बिजू नामक इस वन्य जीव को पकड़ने की कोशिश कर रहे हैं। अब देखिए किस तरह जो है खुले मैदान में लोग कब्र बिजू को पकड़ने के लिए उसके पीछे भाग रहे हैं, लेकिन कब्र बिजू पास की बड़ी झाड़ियों में जाकर छुप जाता है। लोगों का हुजूम और छोटे बच्चे उसके पीछे भागते हैं। कब्र बिजू काफ़ी बार उग्र भी हो जाता है। अब देखिए किस तरह कब्र बिजू को देखकर ये लड़का भाग रहा है। यहाँ भी कब्र बिजू की तलाश में लोग काफ़ी देर तक उसके पीछे भागते हैं। अब आपको दिखाते हैं कि किस तरह वन विभाग का कर्मचारी हाइड्रा की मदद से जो है पोल के पास पहुंचता है। एक बार फिर आपको बताते हैं कि किस तरह कब्र बिजू को पकड़ने की कोशिश की गई। ये वन विभाग के कर्मचारी है जो लंबे इंतज़ार के बाद यहाँ पहुँचे। दूसरी तरफ पोल पर, बिजली के इस पोल पर आप देख सकते हैं कि कब्र बिजू बैठा है। आसपास में लोग बैठे हैं और कब्र बिजू को देख रहे हैं, क्योंकि शहरी इलाके में कब्र बिजू नहीं पहुंचता। कब्र बिजू एक ऐसा जीव है जो पहाड़ी इलाकों में रहते हैं। कई लोग तो इसे ये भी कहते हैं कि ये कब्र खोदकर जो है लाशों को खाता है, लेकिन कई लोग इसके बारे में अफवाह भी उड़ाते रहते हैं। कब्र बिजू एक शर्मिला जानवर है जो आमतौर पर इंसानी बस्ती में नहीं आता, लेकिन बताया जा रहा है कि रास्ता भटक कर ये कब्र बिजू यहाँ पहुँच गया था और जब कुत्ते इसके पीछे भागे तो ये कब्र बिजू डरता हुआ लाइट के इस पोल पर चढ़ गया। कब्र बिजू को देखने के लिए लोग बड़ी संख्या में पहुँचे और इसे अजीब जानवर बताकर मौके पर इकट्ठा होने लगे। देखते ही देखते बड़ी संख्या में लोग यहाँ इकट्ठा हो गए। कुड़ी बख्तासनी थाना पुलिस भी मौके पर पहुँची। काफ़ी बार लोगों को मौके से हटाने की कोशिश की, लेकिन लोग थे कि मानने का नाम नहीं ले रहे थे। बार बार इस कब्र बिजू को देखने के लिए पहुँच रहे थे। कब्र बिजू बिल्ली से थोड़ा बड़े आकार का होता है और काले कलर का होता है। इसे ब्लैक बिजू भी कहते हैं और आजकल ये बहुत कम देखने को मिलता है। महज कुछ एक इलाकों में इसे देखा जा सकता है। अब देखिए किस तरह कब्र बिजू डरा हुआ है और बिजली के पोल के ऊपर बैठा है। बताया जा रहा है कि सुबह 6 बजे लोगों ने इस कब्र बिजू को देखा और उसके बाद इलाके में ये बात फैल गई कि एक अजीब जानवर शहर में घुस आया है, ऐसा जानवर जिसे किसी ने नहीं देखा।
सूचना फैलने पर लोग भी बड़ी संख्या में यहाँ पहुँचने लगे। आखिरकार कुछ समझदार लोगों ने पुलिस को और वन विभाग को सूचना दी। पुलिस के अधिकारी भी मौके पर पहुँचे और लोगों को मौके से हटाया ताकि कब्र बिजू नीचे उतरे, लेकिन काफ़ी इंतज़ार के बाद कब्र बिजू नीचे नहीं उतरा। आखिरकार वन विभाग की टीमों को मौके पर बुलाया गया। वन विभाग की टीमों ने अपना काम बखूबी निभाया। जाल लेकर यहाँ वन विभाग की टीम पहुँची। जाल को फैलाकर नीचे रखा गया ताकि अगर कब्र बिजू कूदता है तो जाल से उसे बचाया जा सके, लेकिन ये सुबह करीबन 7 बजे का सर। क्या लोगों ने क्या बताया, क्या मामला है पूरा? भाई ये जानवर अनोखा आया है, सभी गांव वाले देखने के लिए आए हैं। ये बता रहे हैं कोई बिजू नाम का जानवर है। पुलिस वगैरह सब आई हुई है। आपने किसको सूचना दी? पहले तो हम गांव वाले सब देख रहे थे, उस हिसाब से किसी ने पुलिस को सूचना दी। पुलिस प्रशासन भी आई है, सबको दूर कर रहे हैं। हमें सूचना मिली है क्या वन विभाग को आपने फोन किया? वन विभाग वालों ने बोला आ रहे हैं, सभी आई है, अभी टीम आ रही है। करीबन तो घंटा डेढ़ घंटा बाद आई है। मैं सरोज मासी किन्नर गादीपति घंटा घर वाली बोल लूँ। आज ये संग्रह गांव के अंदर कुड़ी बक्तासनी में एक अनोखा जानवर देखा है, जो पब्लिक की भीड़ लगी और मीडिया और पुलिस वाले भी सब कोशिश कर रहे हैं कि ये कौन सा जानवर है। तो भाई लोग को थोड़ा बच्चों का भी ध्यान रखें, पता नहीं अभी पता पड़ेगा जब मालूम पड़ेगा कौन सा जानवर है ये। ठीक है मैडम, क्या जानवर था और किस तरह आप लोगों ने जो है उसको खंभे से उतारा है? ये बिल्ली के प्रजाति का है, बिजू कहते हैं इसको, बिजू है ये। और इसको हार्डरो लाके और हमारे एक वन रक्षक हैं राजू सिंह जी, उन्होंने उसके अंदर बैठ के और ऊपर चढ़े और नीचे हमने जाली लगवाई और जाली लगवा के और उसको पकड़ने की कोशिश की, लेकिन वो क्या उसका रुख चेंज होने की वजह से वो ऊपर से कूद तो गया लेकिन हम उसे पकड़ नहीं पाए। और वैसे वो जंगल में चला गया है तो वो जंगली जानवर है और जंगली जीव ही है, तो उसका प्राकृतिक तो आवास यही है। बट जनता जो पब्लिक इकट्ठी हो रखी है उसकी वजह से हम कोशिश कर रहे हैं कि थोड़ा जनता हट जाए तो वो शायद जंगल में चला जाएगा। थैंक यू जी। क्या मामला था पूरा? सुबह जब थाने पे इतला आई गांव वालों की कि एक थंबे के ऊपर लाइट पर एक जिनावर चढ़ा हुआ है, पहचान नहीं है क्या है यानी, तो हम लोग पहुँचे जाते के और पब्लिक को कंट्रोल किया, फिर वन विभाग को कंट्रोल के द्वारा सूचना दी गई कि भाई ये जिनावर ऊपर चढ़ा हुआ है, कुछ हानि हो सकती है। तभी वन विभाग की टीम आई, हाइड्रो बुला के ऊपर चढ़ा के तो उतर कूद के भग गया।